गर्मी का निकाला हल और आज हमने बनाया दिन का पंखा जो हमें बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा देगा। अगर आप लोगों की लाइट भी चल जाए लेकिन आप लोग इससे भी ठंडी ठंडी हवा ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बाकी सारे व्लॉग को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं आप लोगों के प्यार प्यार के बैठ पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अलग दोस्तों, मैं सुशील, आज भी आप देख रहे हैं सावी शाडी चैनल। आज का व्लॉग के अंदर हम लोग दिल से पंखा बुलाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मेरे पापा दोस्तों, मुझे तो टिन से पंखा बनाने आते हैं, मैंने बहुत बार ही बनाया है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं आज टिन से पंखा बनाना सिखाऊं। और मैंने सोचा कि आज हम लोग वीडियो भी बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पंखे की बिल्कुल भी नहीं बनाई, वो बस एक बनाई थी जिसके अंदर जो मामा की जानी पे। और शाटा मुझे कह रहा था आप मुझे भी सिखाएं पंखा बनाना। मैंने कहा जैसे जैसे मैं करूँ वैसे वैसे करना है सिर्फ। तो मैं दोस्तों मैं शाटे को करूँ मेरे साथ, है ना, स्टूडेंट की तरह, शाबाशी की तरह काम करते मेरे साथ। और यहाँ पे ये आराम फरमा रहे थे, हम दोनों एक दूसरे को तंग करते हैं। और ये देखें, इसके अंदर जो होल था उसकी मदद से मैं देख रहा था। तो मेरे पापा दोस्तों, ये जो टिल की ऊपर वाली साइड थी, अपर साइड, वो पहले कैंची से काट दी थी। तो मेरे पापा दोस्तों, यहाँ पे मैं एक छोटी सी तेज़ कैंची से इसकी कॉलर को काट रहा था ताकि इसे अच्छी सी शेप आ जाए। तो मेरे पापा दोस्तों, जब आप लोग ये काम करें तो केयरफुल करिएगा, क्योंकि मुझे तो इसकी प्रैक्टिस थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा आसानी से काट दिया। और शाटी मुझसे पूछ रही थी कि भाई काट दिया आपने, ये अच्छे वाला निकालना है ना, तो आप लोग दीवार पे या ईंट पे या किसी चीज़ पे भी रगड़ देंगे ना तो वो अपने आप ही उतर जाएगा। और ये भी हम लोगों ने काट लिया। अब इसके ऊपर हम लोग परों की डिज़ाइनिंग करेंगे जिससे हमारा पंखा बनेगा। और मैं आप लोगों को चला के दिखाऊँगा। अब मैं इसे सीधा करूँ जोर लगा के, लेकिन मेरे से तो जोर लग ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ यार, जितना भी जोर लगा दूँ लेकिन ये सीधा नहीं होएगा, मैं तो सीधा हो जाऊँगा। तो सारे मुझे भाई मुझे छेड़ रहे थे कि छोटा सा इंजीनियर यहाँ पे लगता है। तो मेरे पापा दोस्तों, ये सब का तो मुझे नॉलेज है, इसलिए आप लोग ध्यान से बनाएगा ये सब कुछ। तो मैंने ना अपनी आपी का ना बॉक्स उठा लिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वजनी था, तो ये इसे बहुत ज़्यादा हैवी है। और ये इसके ऊपर रखते साथ ये सीधा हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग तो मेरे पापा दोस्तों, आप लोग एक मिनट के बाद, तो मैंने अपनी आपी का ये बॉक्स लिया हुआ है जो बहुत ज़्यादा भारी है, तो इसलिए मैं इससे ही अब इसके ऊपर रखा है ताकि ये तो सीधा हो जाए इसकी। तो मेरी आपी को नहीं पता, जब वो मेरा व्लॉग देखेंगे तो मेरी तो तभी उन्हें पता चलेगा कि बॉक्स मैंने लिया था, तो बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा हंसेंगी। मुझे भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। और मैंने इसे 10 मिनट रखा था और मैं आराम फरमा रहा था। और 10 मिनट आप लोगों ने रखने बस इसे, और 10 मिनट में ये सीधा हो जाएगा। और हम लोग इसके ऊपर परों के डिज़ाइन करके और उन्हें काटेंगे। तो मेरे पापा दोस्तों, हमारे टेंट का वो जो अगला हिस्सा था वो हम लोगों ने दीवार पर गड़ाया था, तो वो रफ़ हो गया था जिससे वो बहुत अच्छी तरह उतर गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और हमें तो अब हमें ये पंखे का सेंटर का पार्ट मिल गया था। तो मेरे पापा दोस्तों, मेरी नींद भी पूरी हो गई थी और 10 मिनट पूरे भी हो गए थे। और जिस तो मेरे पापा दोस्तों, जो टीन का पार्ट था वो सीधा हो गया था। और हम लोग ने इन्हें 3 फोल्ड दे दिए थे, क्योंकि अब हम लोग इनको जब कटिंग करेंगे तो 3 पर एक साथ आएंगे। वाह माशाल्लाह, मैंने इसके ऊपर वजन रखा तो ये प्रेस हो गया वो भी अच्छी तरह। और मैंने इसके ऊपर डिज़ाइन किया और मैंने इसे कैंची से काटा। तो मेरे पापा दोस्तों, आप लोग किसी चीज़ से भी इसके ऊपर ड्राइंग कर सकते हैं। मैं पेन की मदद से कर रहा था और मैं पंखों अपने ऊपर वाले पंखे से देख के कर रहा था ताकि अच्छी शेप आई। और मैंने इसके ऊपर ड्राइंग की और मैंने एक साथ काटा तो 3 पर एक साथ कट गए। मैं हो गया खुश, बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि एक साथ 3 पर आ गए थे मेरे पास और मैंने एक ही बारी में काटा तो 3 पर एक साथ। माशाल्लाह, ये पर कट चुके हैं, अब इन
को ना हम लोग ऊपर से आधा काटेंगे। ये देखें कितने शानदार लग रहे हैं, जिस तरह ये थे ना। पर और अब हम लोग इस शेप में इन्हें काट लेंगे ताकि हम लोग लगा सकें, क्योंकि इस शेप में काटना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्हें, क्योंकि इस शेप में नहीं काटेंगे तो और किस शेप में काटेंगे। इस शेप में मैंने दो बार काट लिया था, दो जगह से काटना है इसी शेप में ना, हमें इसी शेप में दो बार काटना है क्योंकि दो जगह सी के बनाने पड़ते हैं। और ये देखें कुछ ऐसी लुक आई है। अब मैं सारों को ऐसी काटूंगा। मैंने एक पेड़ पर को शेप दी, फिर मैंने दोनों पर को एक साथ शेप दी, तो ये दोनों पर एक साथ कट गए और मुझे बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। और मैंने इन्हें काट दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे कटे हुए। और ऐसे ही काट के आप लोगों ने लगाने, क्योंकि ऊपर जो हमारे घर के ऊपर जो पंखा लगा होता है वो भी ऐसे ही बना हुआ होता है। पे दोस्तों हमारे पास पर भी आ गया और सेंटर का पार्ट भी आ गया, और अब हम लोग इन्हें ग्लू गन से जोड़ेंगे और ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह जुड़ेंगे। और मैं जब आप लोगों की ये चला के दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आएगी। तो यहाँ पे मैं अपनी मोटर और तारे और सेल ले आया था और मैं इन्हें जोड़ रहा था। तो पहले मैं आप लोगों को इसकी डिज़ाइनिंग दिखाता हूँ, ये कैसे वर्क करेगा पहले। और चले चलते हैं कि इससे चलाने, उससे पहले मैं अपनी मोटर को चला के चेक कर रहा था कि ये सही चल रही है, और ये सही चल रही थी। तो मैं पहले दोस्तों यहाँ पे मैं अपनी ग्लू गन ले आया था और इसकी मदद से हम लोग पंखे के पर जोड़ेंगे और इसके बाद हमारा पंखा तैयार हो जाएगा और मैं आप लोगों के साथ उससे चलता हुआ शेयर करूँगा। आप लोग इसे टेप की मदद से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आप लोग को ज़्यादा मजबूती चाहिए तो आप लोग ग्लू गन से जुड़ें, क्योंकि ग्लू गन से ज़्यादा मजबूत जुड़ता है और ताकतवर। मेरे पेपर दोस्तों ये तो बिजली से चलती है, मेरे साथ तो प्रैंक हो गया। और मैं बाद में जब तक मैं इसे जोड़ के ला रहा हूँ पंखे को, तब तक आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो अब मैं इसे जोड़ के लाता हूँ, तब तक आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो अब मैं जोड़ने जा रहा हूँ और ये बाकी हैं इनके पंख, और ये मैं जोड़ के ले आया हूँ ग्लू गन को। ये फिर भी गर्म थी इसलिए मैं यहाँ पे इसकी वेल्डिंग करना शुरू कर दिया, कि मैंने यहाँ पे इसे जोड़ लिया वो भी 2 मिनट में। तो हम लोग अपने फैन के सेंटर में एक सुराख करेंगे जिनके अंदर हम लोग मोटर को फिट करेंगे। तो मेरे पैर दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि मेरा फ़ैन बहुत परफेक्ट बन गया था और मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ग्लू गन से ये बहुत अच्छा जुड़ गया था और इसकी लुक देखिए आप, माशाल्लाह कितनी प्यारी है। तो यहाँ पे मैंने इस पैन की मदद से इसके अंदर डोर कर दिया था और इसके अंदर हम लोग सुराख करके अपनी मोटर को फिट कर देंगे। अब हम लोग इसके अंदर होल कर दिया, अब हम लोग मोटर इसके अंदर फिट करेंगे जिससे कि हमारा पंखा चलेगा। मोटर भी फिट हो गया, अब मैं आप लोगों को ये चला के दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे बाल भी उड़ रहे हैं। तो अब मेरे पे आ दोस्तों सेल की मदद से मैंने पंखे मोटर को चलाया तो पंखा भी चला और हम लोगों ने ली ठंडी ठंडी हवा। आप लोग लिए मेरे लिए एक मैसेज है कि आप लोगों के घर में या बोतल या टैन है तो आप लोग उसे गंद वेस्ट ना समझिएगा और उनका पंखा बनाएगा और ठंडी ठंडी हवा लीगा। तो वे पे दोस्तों पहले वो कूलर भी बुलाया हुआ है और पहले बल्ब भी बुलाया हुआ है और वाटर पम्प भी। और आप लोग चाहते हैं कि मैं उनकी भी वीडियो शेयर करूँ तो कमेंट बॉक्स में बताएगा ज़रूर। और अब ये चल रहा था और ठंडी ठंडी हवा दे रहा था और मैं तो कह रहा था बहुत ज़्यादा ठंडी हवा देता है, और मैं वॉइस देते हुए भी कह रहा था कि बहुत ज़्यादा ये ठंडी ठंडी हवा दे रहा था मुझे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा मैं और क्या क्या चीज़ें बनाऊँ मोटर से। तो मेरे पापा दोस्तियाँ मेरे घर वाले सारे मुझे कहते हैं छोटा इंजीनियर, क्योंकि मैं किसी चीज़ को भी वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं कुछ ना कुछ बनाता हूँ ज़रूर। तो इसी के साथ मेरे पापे दोस्तों आपका इस शकील भाई इजाज़त चाहता है और नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा। इसी के साथ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।